हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकता होम। फ्रेंड्स, आपने बहुत मेवे की मिठाई खाई होगी, काजू की बर्फी खाई होगी, दूध की बर्फी खाई होगी, बट आज मैं आपको आलू की बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी या आलू की मिठाई बनाना बताने जा रही हूँ। उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने देखिए 4 उबले आलू लिए हैं बड़े साइज़ के। इसको हमको खूब अच्छे से मैश कर लेना है। फ्रेंड्स, देखिए हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया। फ्रेंड्स, आलू इतने मैश होने चाहिए कि उसमें बिल्कुल भी गुलटी या आलू के लम्स ना रहे, टुकड़े आलू के ना रहे। अब फ्रेंड्स, देखिए मैंने एक कढ़ाई में फ्रेंड्स अभी 1 चम्मच घी लिया है। इसमें मैं देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, मैंने 5-6 काजू और 5-6 बादाम ले लिए हैं। इसको रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड, मैं इसको काट के रोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको अभी समूचा रोस्ट कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, काट के रोस्ट करने से घी में उसके टुकड़े आ जाते हैं और घी हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसको हम मीडियम स्लो फ्लेम पे खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड, देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए थे, निकाल लिए हैं। अब फ्रेंड, इसी कढ़ाई में हमको अपना ये जो हमने आलू रखा था मैश करके, ये डाल देना है और फ्लेम को मीडियम स्लो रखना है। फ्रेंड, देखिए हमने आलू डाल दिए। फ्रेंड्स, हमने 1 चम्मच घी डाला था, हम इसमें आधी चम्मच घी ऐसे बीच में और डाल देंगे। और अब हम इसको ऐसे देखिए घी को पहले पूरा टिगला लेंगे बीच में करके, और अब इसको मिक्स करते हुए फ्रेंड्स हम खूब अच्छे से आलू के भुनने तक, खूब अच्छे से भुनने तक, गुलाबी होने तक भूनेंगे। जब इसका घी जो है वो आलू छोड़ने लगेगा, तब तक हम इसको स्लो मीडियम फ्लेम पे आराम से भूनेंगे, अगर आपको अच्छी बर्फी बनानी है। फ्रेंड, देखिए आलू हमारा गुलाबी गुलाबी फ्राई हो गया, देख रहे हैं आप। साइड साइड से देखिए घी भी छोड़ने लगा है और आलू देखिए कढ़ाई कितने बढ़िया से छोड़ रहा है। इसका मतलब अब हमारा आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। फ्रेंड्स, इसी समय हमको इसमें ये मैंने फ्रेश कुटी इलायची मिलाई है फ्लेवर्स के लिए। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो इलायची पाउडर मिला सकते हैं या ना चाहें तो ना मिला सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट्स है जो हमने रोस्ट करे थे, अब इसमें से थोड़े ड्राई फ्रूट्स हमने मैंने ये काट लिए थे, इसको हम अंदर डालेंगे। सारे नहीं डालेंगे, थोड़े डालेंगे। और अब हम इसको 1 मिनट तक और भूनेंगे, जिससे इलायची का फ्लेवर पूरा अच्छे से आलू में हो जाए। फ्रेंड्स, देखिए 1 मिनट हो गए थे। अब हमको फ्रेंड्स इस समय बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देनी है, और अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल स्लो रखनी है हमको इसकी फ्लेम। अब फ्रेंड, देखिए अब हमको एक पैन लेना है। पैन में फ्रेंड मैंने ये आधी कटोरी चीनी डाली है, और अब हम इसको चला के इसको हम चीनी को गलाएंगे, यानी इसको कैरेमल जैसा बनाएंगे, कैरेमल शुगर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम रखेंगे, देखिए चीनी धीरे धीरे गलने लग रही है। इसको हमको पूरा अच्छे से गलाना है, इसका एक बहुत अच्छा सा रंग आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, चीनी अच्छे से गल गई, बस हमें ये याद रखना है हमको चलाते रहना है, और फ्रेंड्स गैस की फ्लेम को स्लो मीडियम ही रखना है। और अभी देखिए इसमें रंग आ रहा है, देखिए ब्राउन ब्राउन, थोड़ा सा और इसमें बस अच्छा सा रंग आ जाए तब तक हमको इसको पकाना है। ये देखिए फ्रेंड, जब ये रंग आ जाएगा, देख रहे हैं क्या बढ़िया गोल्डन कलर का रंग, जब ये रंग आ जाएगा तो फ्रेंड्स इसको हमको अपने आलू वाले मिश्रण में, जो हमारा आलू वाला था उसमें हमको इसको डाल देना है, इससे आलू की बर्फी का रंग बहुत अच्छा आएगा। और इसको मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया रंग आया। अब इसको फ्रेंड्स मिक्स करते हुए हमको जमने वाली कंसिस्टेंसी तक इसको मिक्स करते हुए भूनना है बस। तो फ्रेंड ये देखिए, वाह क्या बढ़िया कलर हमारी बर्फी का आया है। देख रहे हैं क्या बढ़िया कलर है, बिल्कुल जैसे लग रहा है मावा, देख रहे हैं फ्रेंड्स। और देखें भी अच्छे से जमने वाली कंसिस्टेंसी पे आ गया है, कढ़ाई को अच्छे से छोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स हमको फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्रेंड देखिए, मैंने एक प्लेट तैयार करी थी, आपको किसी जिस भी चीज़ में जमाना हो उसमें थोड़ा सा घी से उसको ग्रीस कर लेंगे। फ्रेंड्स हम ब्रश व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम इसको देसी घी में बनाएंगे। और फ्रेंड्स अब इसको देखिए, इसमें हम सारे मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे। फ्रेंड देखिए, हमने सारे मटेरियल को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स इसको हल्का सा थोड़ा थिक जमाएंगे, बहुत पतला नहीं जमाएंगे। इस पर हम अच्छे से सेट कर लेंगे, अगर आपको गोल सेट करना हो गोल सेट करिए, बट मैं हल्का सा चौकोर सेट करूँगी क्योंकि चौकोर बर्फी कटती अच्छी है। फ्रेंड ये देखिए हमने सेट कर दिया है। अब इस पर फ्रेंड जो ड्राई फ्रूट्स हमने थोड़े बचाए थे वो इसके ऊपर हम अच्छे से गार्निशिंग कर देंगे। देखना फ्रेंड्स क्या बढ़िया बर्फी हमारी बनी है। कोई भी फ्रेंड्स अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई भी नहीं जान पाएगा ये किस चीज़ की बर्फी है। अब इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे और इसको हल्का हल्का ऐसे दबा देंगे जिससे ये इस पर सेट हो जाए। अब फ्रेंड्स इसको हम रूम टेम्परेचर पे ही इसको हम सेट होने देंगे। सेट होने के बाद फ्रेंड्स तब हम इसे काटेंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए हमने अपनी बर्फियाँ काट ली हैं। ये देखिए क्या बढ़िया हमारी बर्फी बनी है। कोई कह सकता है ये आलू की बर्फी है। तो फ्रेंड्स जब भी आपका कोई व्रत हो या कोई आप अगर ऐसे भी कोई गेस्ट भी आए तो भी आप इसको बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई भी मिठाई नहीं है, खोया भी नहीं है, दूध भी नहीं है, तो आप ये आलू की बर्फी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी ये बर्फी बनेगी। बस आलू भूनने में जो थोड़ा टाइम लगता है बस वही लगता है। देखें ना क्या बढ़िया बर्फी आप बनी है। देख सब तरफ से देख लीजिए कितनी बढ़िया दानेदार हमारी बर्फी बनी है। तो फ्रेंड्स हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।